हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अग्निहोत्री एकेडमी और स्वागत है आप सबका आज इस लाइव क्लास में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो गवर्नर के ऊपर है। तो आइए सब लोग को जुड़ जान दीजिए, फिर हम लोग अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो राजा, हेलो 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 बबिता कुमारी, हेलो ममता बंसल, आइए सब लोग जल्दी से जुड़िए, फिर हम लोग ये अपना आज का सेशन जो गवर्नर के ऊपर है इसको हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर राज्यपाल के ऊपर। ठीक, तो हम लोग हेलो 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 निर्देश का, हेलो शुभम, हेलो मिलन। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहला विचार तो यह है कि हमने ये टॉपिक आज की स्पेशल क्लास में लिया क्यों गवर्नर के ऊपर। हेलो नमस्ते शुभम, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो गवर्नर का जो राज्यपाल का जो टॉपिक है अपना, ये अपने स्टेट पीसीएस और जो स्टेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो UP SSSC दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला थॉट तो यही आएगा, सबसे पहला विचार यही आएगा कि आज की स्पेशल क्लास में हम लोगों ने राज्यपाल का जो टॉपिक रखा है ये रखा क्यों है, राज्यपाल अर्थात गवर्नर का जो टॉपिक रखा है ये क्यों रखा है। इसका एक रीजन ये भी है कि करंट में अभी हाल ही में जैसे महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद अपना गोवा हो गया, गोवा में राज्यपाल का काफी एक अहम रोल हमको देखने को मिला है वहां की सरकार बनाने में। जैसे आपने अभी महाराष्ट्र में देखा हो, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो राज्यपाल है वहां के राज्यपाल हैं भगत सिंह जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी सरकार को बिना बहुमत के, किसी की बहुमत क्लियर नहीं थी, सबको न्योता दे दिया कि आइए आप भी पहले सरकार आए बनाइए। पहले उनको बीजेपी को दिया, बीजेपी पहुंच गई, फिर उन्होंने शरद पवार के लिए बोला, सब कांग्रेस सब सबको अपना अपना अलग अलग नोता टाइप का दे दिया और उन्होंने फिर एक बीजेपी के लिए 2.5 दिन की सरकार भी बनवा दी। बीजेपी की कितना 2.5 दिन की सरकार भी बनवा दी उन्होंने, शपथ हो गया, सारी चीज हो गई और फिर वही सरकार केवल कितने 2.5 दिन चली बस। उसके बाद वहां पर जो शिवसेना और कांग्रेस ने गठबंधन करके फिर वहां पर सरकार बना ली। तो ये सारी चीज जो है कहाँ पे, मतलब ये सारी चीज जो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, ये कहीं ना कहीं किसकी गलती है, राज्यपाल की ही गलती हो रही है ना। तो इसमें काफी राज्यपाल के पद की वहां पर आलोचना भी हुई है कि ये मतलब एक तानाशाह टाइप का चल रहा है शासन। तो इन सब चीजों पे हम आज के टॉपिक में बात करेंगे, यही गोवा में हुआ, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्यपाल के ऊपर हुआ, ठीक। तो बात करते पहले आज के हम कुछ अपने बारे में, तो ये मेरा प्रोमो कोड है द निर्देश 300। ठीक, एक्चुअली जो आपका
यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है जो है वो कितना 7000 है। ठीक, अगर आप इस प्रोमो कोड को जो ये दा इसको अगर आप यूज करते हैं तो इस 7000 में आपका लेस हो जाएगा 10 10%, यानी आपका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन जो हो जाएगा वो 6300 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन है हमारा। अगर आप किसी को भी यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप इसका प्रोमो कोड का यूज करिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक राज्यपाल के बारे में। ठीक, तो बताया मैंने आपको जैसे राज्यपाल जो है ना ये एक हर स्टेट में जो अपने 28 स्टेट हैं ये सारे 28 स्टेट में एक एक राज्यपाल होता है, और ऐसा भी होता है कि कई बार दो स्टेट का मिला के एक राज्यपाल होता है। तो ये सारी चीज हम लोग आज जानकारी अपनी इस लाइव वीडियो के माध्यम से करेंगे। बात करते हैं हम अपने टॉपिक राज्यपाल के बारे में। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते जो राज्य कार्यपालिका होती है, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होता है देखिए, राज्य कार्यपालिका में पहले तो राज्यपाल होगा, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद जो वहां का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता कौन होता है, महाधिवक्ता वही होता है जो यूपी मतलब जैसे ऐसे यूपी को ले लेते हैं अपन, यूपी गवर्नमेंट है, यूपी क्या एक स्टेट है। ठीक है, अब यूपी स्टेट है तो यूपी के लिए भी कोई एक एडवोकेट टाइप का होगा ना, जो यूपी के सारे केस यूपी के पक्ष में सारे केस लड़े, यूपी के केस सारे केस जो है यूपी के लड़े। तो हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, ये इन सबको मिलकर क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। क्या बनती है, कार्यपालिका ठीक है। इस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। देखिए कार्यपालिका के साथ साथ संवैधानिक कार्यपालिका के साथ साथ जो संवैधानिक प्रमुख जो होगा वो भी कौन होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन वास्तविक में अगर राज्य का कोई प्रमुख होगा तो वो कौन होगा, सीएम होगा। वास्तविक में किसमें, वास्तविक में अगर कोई होगा तो कौन होगा, सीएम होगा। ठीक, लेकिन अगर कार्यपालिका के अकॉर्डिंग बात करें और अगर हम बात कम करें किसके, संवैधानिक, तो इन दोनों के हिसाब से कौन होगा, राज्यपाल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपका 2008 में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वो कौन होता है, सीएम होता है। और अगर संवैधानिक और कार्यपालिका के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक, इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है, जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति। देखिए क्या होता है कि केंद्र में सेंट्रल में सेंट्रल में जो कार्य राष्ट्रपति करता है, ठीक है, वही स्टेट में कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्या राज्यपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के कृपा दृष्टि के अनुसार ही सारी चीज करता है। मतलब क्यों, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो इसलिए ये
एक संवैधानिक स्टेट के हिसाब से स्वतंत्र पद तो है, लेकिन पूर्ण रूप से कंपेयर किया है किससे, राष्ट्रपति से, तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र पद नहीं है, इसलिए बात करते हैं उपराज्यपाल की। तो जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का कार्यालय होता है, बट लेकिन उपराज्यपाल का कार्यालय नहीं होता है। बात करते हैं उपराज्यपाल की, उपराज्यपाल होते कहाँ है, उपराज्यपाल जो अपने हैं वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। देख क्या होता है, जैसे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये कहाँ पे है, ये सेंट्रल के लिए है, ठीक है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति कार्य क्या होता है, ये सभापति होता है, कहाँ सभापति होता है, राज्यसभा में, राज्यसभा में। लेकिन उपराज्यपाल के लिए कोई कार्यालय नहीं होता है, उपराज्यपाल के लिए कोई कार्यालय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उपराज्यपाल होता है ये कहाँ होते, केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, ठीक। और जो राज्यपाल जो होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं ये कहां होते हैं, ये राज्य में होते हैं, ये कहां होते हैं, राज्य में होते हैं, तो इनका क्या कार्यालय होता है, ठीक। अब देखिए क्यों नहीं होता इनका कार्यालय, क्योंकि जो उपराज्यपाल जो होते हैं ये केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि तो ये भी होते हैं, लेकिन ये केंद्र के द्वारा ही सारे कार्य करते हैं, जो भी कार्य करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, किसके कहने प्रतिनिधित्व करेंगे, केंद्र के कहने करेंगे। और ये प्रतिनिधित्व तो होता है, ठीक है, लेकिन अपने विवेकशीलता के हिसाब से अकॉर्डिंग भी काम करेगा। मतलब जो उपराज्यपाल जो होगा वो पूर्ण रूप से केंद्र का सेंटर के लिए उत्तरदायित्व होगा, लेकिन राज्यपाल उत्तरदायित्व तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो इसलिए इनका उपराज्यपाल का कोई भी कार्यालय नहीं होता है, ठीक। सातवें संविधान संशोधन के 1956, ये डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्री के अकॉर्डिंग पूछी गई है, ठीक है, कि धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल मतलब नियुक्त किया सकता है राज्यपाल। अब देखिए बताता हूं, जैसे एमपी में जब आनंदीबेन पटेल जब राज्यपाल थी, उससे पहले एमपी में कोई राज्यपाल नहीं था, उस टाइम पर ओपी कोहली जो थे वो कहाँ, गुजरात के राज्यपाल थे, ठीक है, लेकिन वहां पर एमपी में कोई राज्यपाल नहीं था। तो जब तक आनंदीबेन पटेल जब तक राज्यपाल नहीं बनी, तब तक के लिए वहां पर जो राज्यपाल का कार्यभार पूरा संभाला था कौन है, ओपी कोहली ने संभाला था। और ओपी कोहली जो थे वो गुजरात प्लस एमपी दो राज्यों के राज्यपाल थे, ठीक। तो ये चीज हो गई, मतलब कहने का मतलब ये कि जो एक राज्यपाल जो होता है, जैसे एक राज्यपाल है, ठीक। एक राज्यपाल होता है, एक राज्यपाल को अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बना सकता है या नियुक्त कर सकता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। और ये हुआ कब, सातवें संविधान संशोधन, ये डेट याद रखिएगा, सातवां संविधान संशोधन, क्योंकि संशोधन से क्वेश्चन एक प्री में आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सातवां, ये डेट भी पूछ सकता है कि सातवां संविधान संशोधन मतलब भारतीय संविधान में कब आया था, ये भी पूछ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ठीक है।
और केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। देखिए क्या होता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है किसके। अब राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त करेगा नहीं, किसके करेगा? जो केंद्र में जो सरकार है उसकी सलाह के अनुसार, मतलब उसे जो जो भी मंत्री, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पे करेगा, ठीक है, सलाह पे नियुक्त करेगा। अब जब जो नियुक्त करेगा तो उसका देखिए, जो क्या पहले ही आपको मैंने बताया, जो राज्यपाल जो है वो हर स्टेट का संवैधानिक और कार्यपालिका के अकॉर्डिंग सबसे प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख है। तो केंद्र सरकार का मतलब रोजगार नहीं कि केंद्र सरकार ने उसको नौकरी दी हो, केंद्र सरकार ने उसको नौकरी दी नहीं, वो एक संवैधानिक कार्यालय के अकॉर्डिंग काम कर रहा है क्योंकि वो संवैधानिक पद है, ठीक है। लेकिन वो जो कार्य करेगा, वो जो कार्य जो होगा वो किसके, केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करेगा। देखिए कार्य तो अधीन उसके केंद्र सरकार ही करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि रोज अगर वो कार्य केंद्र सरकार के अधीन कर रहा है तो उसको केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो राज्यपाल जो है, जो राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक पद है, इसलिए वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करेगा। कनाडा जहां राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वहीं संविधान सभा के स्वीकृत किया है, ठीक है, कहां, कनाडा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता की, योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता क्या है? पहले तो इसमें देखिए, इसमें पहली योग्यता है वह है 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए, ठीक है। मतलब पहली योग्यता क्या है, उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे ही पहले एक योग्यता क्या है, ये तो सेकेंड नंबर पे होगी। फर्स्ट नंबर पे हम क्या रखते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी नंबर पे लाभ का पद धारण ना किए हो, ठीक है, लाभ का पद धारण ना किए हो। और ये आपकी तीन जो है वो प्रमुख योग्यता हो गई। इसमें सबसे जो कंपलसरी है वो क्या, भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद 35 वर्ष। क्या एक बात आई, जैसे यूपी में अभी जैसे किसी स्टेट के कोई राज्यपाल है, ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग बताइएगा, अगर यूपी का, सपोज यूपी के कर ले, अगर यूपी के राज्यपाल के लिए नियुक्ति करना है और वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, तो क्या उसको राज्यपाल बनाया जाएगा? बताइए, क्वेश्चन पूछा आपसे। बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, आपको आप हेलो विनय, अच्छा कमेंट सेशन शायद आपको बंद है। कमेंट सेशन आपका बंद क्या? थम्सअप के द्वारा बताइए थोड़ा, कमेंट सेशन बंद है लाइव क्लास का? अच्छा, कमेंट सेशन बंद है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारी बातें मेरी समझ में आएगी, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने योग्यता की बात करी थी, क्या बात करी थी, योग्यता की। तो योग्यता में जो सबसे पहले कंपलसरी है क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष आयु। तीसरी चीज क्या है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो राज्यपाल जो होगा, जो राज्यपाल है, अगर राज्यपाल क्यों नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल को अगर नियुक्त किया जाता है तो जो राज्यपाल जो होगा वो सांसद या विधायक, वो सांसद और विधायक नहीं हो सकता है। अगर देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल के नियुक्त किया गया है और वो सांसद और विधायक अगर होता है, ठीक है, तो जिस दिन उसको नियुक्त किया जाएगा उसी दिन उसको अपने सांसद और विधायक वाला जो पद है वो अपना खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक कोई सांसद हो किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो या विधायक हो, वो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, अगर वो राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया है तो उसको अपनी जो ये सदस्यता जो है सांसद विधायक वाली, इसको खत्म करनी पड़ेगी। तभी वो जिस दिन उसकी नियुक्ति होगी उस दिन वो ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक सांसद विधायक, अगर वो वर्तमान में सांसद विधायक भी है और राज्यपाल बन जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी कुछ वेतन और भत्ते की बात करते हैं। तो 2008, 2008 में जो है राज्यपाल की जो सैलरी है वो कितना, 1,10,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, लेकिन 2008 से पहले कितनी थी, 36,000 रुपये, ठीक है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, ठीक है। अब राज्यपाल जब नियुक्त होकर राज्य में आएगा तो राज्य में वहां पे शपथ कौन दिलाएगा, है ना, क्योंकि नियुक्ति के बाद, जबकि देखिए पहले क्या होता है, पहले किसी भी व्यक्ति का, पहले किसी भी व्यक्ति को नामित किया जाता है, ठीक है। जब एक समिति होती है वो नामित करती है, अब नामित किसने किया था, नामित किया था मंत्रिमंडल ने, ठीक है, जो भी केंद्र में जो सरकार है उसने नामित किया था व्यक्ति को। अब नामित के बाद क्या किया था, जो राष्ट्रपति है अपने देश के, राष्ट्रपति ने क्या किया था, राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त किया, ठीक। अब नियुक्त के बाद क्या स्टेप आता है, शपथ, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल को जो शपथ है संबंधित राज्य के, जैसे राज्यपाल है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल अभी चेंज हुआ, करंट अफेयर का क्वेश्चन ही ध्यान रखिएगा, कौन बने हैं, आनंदीबेन पटेल ने, ठीक है। आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। और 21 राज्य में पहले थी, ये एमपी में थी, एमपी राज्य की पहले राज्यपाल थी, वर्तमान में यूपी राज्य की राज्यपाल है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार राज्यपाल से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, क्योंकि राज्य में इस करंट अफेयर में राज्यपाल की काफी अहम भूमिका रही है इस साल की। तो राज्यपाल को जो शपथ जो है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे, कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, दिलवाएंगे। अगर सपोज दैट, एक बात कह दें, अगर इन केस जैसे क्या होता है, राज्यपाल हो गया, ठीक है, पहले इनको क्या किया गया, नामित किया गया, ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप आया, नियुक्ति हुई, इसके बाद क्या होगा, शपथ होगी, ठीक है। अब जब शपथ होगी तो शपथ कौन कराएगा, जिस राज्य से मतलब जिस जो भी संबंधित राज्य होगा, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है उसका जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जज, जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन होगा, जो भी चीफ जस्टिस होगा वो करेगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर इन केस मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब क्या होगा, तब देखिए क्या होता है, एक पीठ होती है पूरी, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके नीचे एक न्यायाधीश होगा, फिर उसके नीचे एक न्यायाधीश होगा, एक स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन होती है। तो जैसे फर्स्ट केस में फर्स्ट रैंक में ये है, ठीक है, अगर ये नहीं है तब क्या होगा, तब इनके नीचे कोई न्यायाधीश होगा सेकंड नंबर पे, वो करेगा। इन केस अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा, तो इनके थर्ड नंबर पे कोई होगा वो करेगा। बाकी इनकी जो शपथ जो है किसके सामने की जाएगी, या तो मुख्य न्यायाधीश या तो कोर्ट
कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो वर्तमान में जो पूरा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल संभाल रहा होगा वो या उसके द्वारा भेजा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, वो कौन व्यक्ति कौन होगा, वो इन्हीं इन्हीं में से कोई एक जज होगा, ठीक है, जो एक पीढ़ी पीढ़ी होती है, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड, उसमें से कोई एक जज होगा, वो इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक। अगर इनकेस एक बात आई, जैसे क्या होता है वर्तमान, ये तो जैसे वर्तमान में कोई हाई कोर्ट का जज नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप आपको शपथ दिलाएंगे। अब क्या होता है देखिए, संविधान में कोई भी विधि नहीं है, संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मतलब कि ऐसी नहीं राष्ट्रपति के लिए क्या होता है मान्यवाधि चालू करना पड़ता है तब राष्ट्रपति को हटाते हैं, लेकिन संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विधि नहीं है। जब भी राष्ट्रपति चाहेगा, जब भी राष्ट्रपति चाहेगा तब राज्यपाल को हटा देगा। जब भी राष्ट्रपति चाहेगा, क्योंकि देखिए जो जो क्या होता है ना कि राज जो राष्ट्रपति होता है यही इसकी दृष्टि रहती है एक तरह से, मतलब जो राष्ट्रपति होता है जब तक वो राष्ट्रपति चाहेगा तब भी तब तक राज्यपाल रहेगा। अब हम कुछ आपकी बात करते हैं कार्यकाल के लिए, देखिए क्या होता है। वैसे तो देखिए अगर देखा जाए तो जो राज्यपाल का जो राज्यपाल का काल का है वो कितने 5 साल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो यूपी पीसीएस में लोअर सबोर्डिनेट के द्वारा जो लोअर पीसीएस हुआ था उसमें प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने। अच्छा एक क्वेश्चन है, चलिए बताइए, बताइए, मैं पोल चालू कर देता हूं आपको। चलिए बताइए, पोल ऑप्शन दिख रहा है आपको, थंब करिए, अगर पोल ऑप्शन आपको दिख रहा है थंब करिए। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने सही बताया है। तो राज्यपाल का जो वास्तविक कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, कितने साल का, 5 साल का। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे सेंटर में अब जो राष्ट्र जो राज्यपाल जो होता है इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है तो ये कार्य भी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक चलेगा। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे सेंट्रल में पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसकी सरकार थी, कांग्रेस की, और फिर कांग्रेस सरकार के बाद किसकी सरकार आ गई, बीजेपी की आ गई, ठीक। लेकिन क्या था, जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तब उस टाइम पे हर स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में क्या होता था, मैक्सिमम के ज्यादातर स्टेट में कौन होता था राज्यपाल, कांग्रेस का ही राज्यपाल होता था। देखिए राज्यपाल वैसे किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, वो संवैधानिक पद है, ये ध्यान रखिएगा, पहले बता चुका हूं आपसे। बाकी क्या होता है ना कि ये प्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक पद है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि अब कांग्रेस ने नियुक्त किया, कांग्रेस के राष्ट्रपति नियुक्त किया इसको, ठीक है। अब जब कांग्रेस के राष्ट्रपति ने इसको नियुक्त किया कि तो काम भी तो कांग्रेस के लिए करेगा, नहीं तो जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा उस दिन हटा दिया जाएगा। इसलिए क्या होता है, जब सरकार सेंट्रल में बदलती है तब ये राज्यपाल जो होते हैं
राज्यपाल जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। और इसीलिए कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे जो राज्यपाल जो हैं वो 3 साल में बदल दिए जाते हैं, 4 साल में बदल दिए जाते हैं, 5 साल में बदल दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल के बाद भी राज्यपाल के लिए कंटिन्यू कर सकता है, अगर वो चाहे, तो राष्ट्रपति चाहे कि ठीक है 6 साल तो 6 साल भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक जो इनका कार्यकाल जो है, अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में आया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो वो जो टाइम है वो अपना 5 वर्ष है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर इन केस अगर कहीं देखिए क्या होता है, आपको पहले बताया था मैंने, अब राज्यपाल कहीं पद पे है, राज्यपाल पद पे है, इन केस राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अब उस स्टेट का राज्यपाल का जो कार्यभार है कौन सौंपेगा, मतलब कौन संभालेगा। तो क्या होता है कि उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा, जो भी हाई कोर्ट होगा, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अगर इन केस उत्तर प्रदेश में जो पहले राज्यपाल थे या हैं, कुछ भी हो, इन केस अगर इन केस मृत्यु हो जाती किसी की, कोई भी राज्यपाल हो किसी भी स्टेट का, अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के जो भी चीफ जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। कब तक संभालेंगे, जब तक किसी नए राज्यपाल की स्टेट में नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, सपोज करिए जैसे ए जो है ये एक स्टेट है, ठीक है, इसके एक राज्यपाल की भी मृत्यु हो गई है, ठीक है, अब जो इसके जो हाई कोर्ट होंगे, जो हाई कोर्ट होगा उसके जो जज जो होंगे, चीफ जज जो होंगे, जो चीफ जज होंगे वो क्या राज्यपाल का कार्य संभालेंगे अस्थायी तौर पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी तौर पर कार्य संभालेंगे, कब तक संभालेंगे, अस्थायी तौर पर कार्य जब तक संभालेंगे जब तक किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, अब हम देखिए कुछ राज्यपाल के बारे में, कुछ कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्यपाल का जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जो राज्यपाल जो है वहां के जो मंत्री, जो जनजाति कल्याण मंत्री जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऐसा क्यों की जाती है, देखिए इन राज्यों में जो है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा उड़ीसा हो गया, तो इन राज्यों में क्या है ना कि जो जनजाति है वो थोड़ा ज्यादा है। और अभी भी जो जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में देखिए अभी भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो है नक्सलवाद ज्यादा है, तो इन सब चीजों को सुधार करने के लिए, रोकने के लिए जो, तो राज्यपाल जो क्या करेगा, एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेगा। वो इसलिए करता है कि ताकि जनजाति कल्याण, किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा वो जो इन जो जनजाति है उसमें सुधार लाई जा सके। जैसे देखिए पहले छत्तीसगढ़ में जो था, पहले छत्तीसगढ़ में पहले नक्सलवादी संख्या बहुत ज्यादा थी, अब दिन पे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, क्या होता जा रहा है, मतलब स्तर नीचे आता जा रहा है। तो जो इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों में जो जनजाति कल्याण मंत्री होगा उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल देखिए क्या होता है, राज्यपाल महाधिवक्ता, आपको बताया था ना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता कौन, आपको मैं बता चुका हूँ, महाधिवक्ता देखिए जैसे यूपी गवर्नमेंट है तो यूपी गवर्नमेंट के लिए एक एडवोकेट होता है, सरकारी वकील होता है, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता वही कार्य करता है जो कार्य केंद्र में महान्यायवादी करता है। क्या कार्य करता है ये, जैसे आप यूपी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, तो जो महाधिवक्ता होगा वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट में एक महाधिवक्ता होता है। उसका कार्य क्या होता है, कार्य यही होता है कि वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी केस है वो लड़ेगा, उनके पक्ष में लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये जो कार्य जो है महाधिवक्ता का, जो कार्य जो है ये प्रसाद पर्यंत है, किसके, राज्यपाल के द्वारा। मतलब देखिए नियुक्त किसने किया था, महाधिवक्ता को नियुक्त किया था राज्यपाल ने, ठीक है, राज्यपाल ने नियुक्त किया था। अब राज्यपाल के द्वारा जिस दिन राज्यपाल चाहेगा कि आज हमको महाधिवक्ता हटाना है, ठीक है, वैसे तो ये संविधान, मतलब अपना जो राज्यपाल है संवैधानिक पद है, ये अपने विवेकाधीन से काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जैसे सरकार है, जैसे किसी स्टेट की सरकार है,
ठीक है। वैसे तो ये कार जो है हटाने का कार और नियुक्त का कार जो है ये किसका, अपने राज्यपाल का कार है हटाना, कि मतलब कार अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन कई बार होता क्या ना कि स्टेट गवर्नमेंट है, कोई स्टेट एक्स वाई जेड कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सरकार है अपनी। अब सरकार के अनुसार अगर उसका जैसे जो महाधिवक्ता है अगर कार नहीं कर रहा उसके अकॉर्डिंग, कई बार मतलब उसके विपक्ष में ही बोल देता है, पक्ष में नहीं बोल रहा, कई बार इन सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तब सरकार ही क्या करेगी, राज्यपाल से बोलेगी हटाने के लिए। वैसे जो रूल है जो संवैधानिक है वो संविधान में क्या है कि राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाएगा, हटाया राज्यपाल के द्वारा ही जाता है, लेकिन सरकार की परमिशन मतलब सरकार बोलती है कि ये हटाइए, क्योंकि जो कार्यपद की वास्तविक में आप पहले था जो वास्तविक जो प्रमुख है राज्य का कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना, उसके बाद अपना मंत्रिमंडल जो होता है वो होता है, इसलिए जो इसका है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और उसको हटाता भी कौन है, राज्यपाल ही हटाता है, ठीक है। वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयोग होता है उसका जो भी अध्यक्ष वगैरह होगा उसकी भी नियुक्ति वही करेगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, ठीक है। और देखिए अब देखिए फिर भी वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई, जो राज्य चुनाव आयोग जो होता है, जो निर्वाचन आयोग जो है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और हटाया भी कौन जाएगा, राज्यपाल हटाया किसके द्वारा जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। और लेकिन राज्यपाल के द्वारा ऐसे नहीं हटाया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा उसकी एक प्रोसेस चलेगी, पूरी प्रोसेस वही चलेगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए चलती है, ये ध्यान रखिएगा। नियुक्त तो डायरेक्ट अपना जो राज्यपाल है डायरेक्ट नियुक्त कर देगा चुनाव आयुक्त को, जो राज्यपाल है वो चुनाव आयोग तो डायरेक्ट नियुक्त कर देगा, लेकिन हटाने के लिए उसको जो है ना वो वही प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी, वही विधानसभा में सारे केस जाएंगे, विधानसभा में प्रोसेस चलेगी, वो सब सारे ना इसके बाद जो प्रोसेस है मतलब वही सारी प्रोसेस चलेगी जो कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल डायरेक्ट कर देगा, लेकिन हटाने के लिए वही प्रोसेस। वह जो है राज्य के, देखिए हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है, लोक सेवा आयोग होता है ना। जैसे यूपी का जो है उसका आयोग कहां पर है, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद जो वर्तमान में क्या प्रयागराज बन गया ना, प्रयागराज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एमपी का है, एमपी का इंदौर में है, ठीक है। इस तरह हर स्टेट का एक एक अपना अपना एक लोक सेवा आयोग होता है हर राज्य का। अब उस लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, उस लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जैसे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जैसे वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, प्रभात, डॉक्टर प्रभात कुमार, क्या नाम है, डॉक्टर प्रभात कुमार जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्य के जो जो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा नियुक्त की जाती है। एक अध्यक्ष होता है, फिर हर आयोग में अध्यक्ष होते हैं, नीचे हर आयोग में 2 से 3 या 4 अध्यक्ष भी होते हैं, उन सॉरी 2 से 3 सदस्य भी होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा, इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया हटाया जा सकता है ना, ना कि राज्यपाल के द्वारा। देखिए राज्यपाल अध्यक्ष को नियुक्त कर देगा, जैसे लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, किसकी किसकी, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन ये राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता, हटाएगा कौन, इनको सिर्फ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही हटा सकता है,
ना कि राज्यपाल। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन नियुक्त कौन कर सकता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, जब किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है जब, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान होता क्या है, जो वहां की विधानसभा, जो विधानमंडल जो है अपनी, उसके अंदर जो विधानसभा विधान परिषद है, वो जो है कार्य करना जो है बंद कर देती है, क्योंकि मतलब उसकी जो पावर होती है उस टाइम विधान जो होती है उसका कार्य, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो किसका पावर होगा? राष्ट्रपति को होगा। जो वहां की विधानसभा विधानमंडल है वो कार्य नहीं कर सकती है, तब उस टाइम पे राज्य में मतलब अब हेड कौन होगा भाई? राज्य को तो कार्य करना है ना, लोग तो कहीं चले नहीं जाएंगे, लोगों के लिए तो सारे कानून, जो पुलिस वगैरह सब कानून कहीं कौन, तो उस टाइम पे क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है कार्यकारी शक्ति, जो भी शक्ति कार्यकारी शक्ति है जो उस टाइम पे विधान परिषद और विधानसभा के पास होती है, उन कार्यकारी शक्ति का जो है विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, समझ रहे? जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया, अब राष्ट्रपति तो कार्य करने आएंगे नहीं, कार्य कौन करेगा? कार्य तो राज्यपाल ही करेगा ना, कार्य कौन करेगा? कार्य तो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। तो जो यहाँ की विस्तार, जो भी प्रतिनिधि है राज्य, जो राष्ट्रपति जो है वो प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करेगा, और सारी कार्यकारी शक्ति है जो उसकी, कार्यकारी शक्ति सारी उसमें निहित हो जाएंगी। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वहां की जो विधानसभा, जो वहां के विधायक जो होते हैं और जो वहाँ MLC होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए जो होता है वो शून्य के बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि यहाँ की ना तो विधान परिषद, विधानसभा का सदन चलेगा, ना ही विधान परिषद का सदन चलेगा, इसलिए जब ये शून्य हो जाएगी तब कार्य तो करना है। तो जो जो भी कार्यकारी शक्तियां जो होंगी सारी, वो किसमें निहित हो जाएंगी? राज्यपाल में। तो राज्यपाल जो है कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करेगा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वो राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और राज्य के विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति करता है। देखिए क्या होता है, अपनी दो टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, एक होती है राज्य विश्वविद्यालय, राष्ट्र विश्वविद्यालय, ठीक है, एक होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय। विद्यालय, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो राज्य विश्वविद्यालय होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, इनका जो कुलाधिपति होगा, कुलाधिपति होगा वो कौन होगा? राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा स्टेट यूनिवर्सिटी का। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन होगा? ये कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, अब इनमें हर यूनिवर्सिटी में पहले तो ये कुलाधिपति तो कौन हो गए, राज्य कुला यूनिवर्सिटी में कौन हो गया? जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका जो कुलाधिपति हो गया कौन हो गया? वो तो अपने राज्यपाल हो गए। अब इनमें एक कुलपति भी होता है, जो यूनिवर्सिटी का हेड होता है, जो उस सीमित यूनिवर्सिटी का हेड होता है ना। तो जैसे अलावा, जैसे राज सपोज करिए एक यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, फेस थोड़ा प्रॉब्लम। हेलो, ज्वाइन करिए सब लोग, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे राज, यहां पर क्या है, एक यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद,
राज विश्वविद्यालय। ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी है यहां पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अच्छा आवाज क्लियर आ रही, थोड़ा थम्सअप के द्वारा बताइए, थोड़ा आवाज क्लियर आ रही मेरी, थम्सअप कीजिए, आवाज क्लियर आ रही, जो भी इस लाइव लाइव क्लास को देख रहे सब आवाज क्लियर आ रही हो तो अगर थम्सअप करिए सब लोग, है ना। चलिए डन, आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे राज, ठीक है। अब इसकी जो राज इलाहाबाद राज विश्वविद्यालय है, इसका जो कुलपति होगा कौन, कुलपति जो होगा उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, देखिए अब यहीं पे नोटिस करिए, ये क्वेश्चन घुमा के पूछने वाला है, और क्वेश्चन जो घुमा के पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसकी जो नियुक्ति है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो नियुक्ति राय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो उसकी कुलपति की नियुक्ति वो कौन करेगा, ये नोटिस करिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जो अपना अध्यक्ष सेवा चयन आयोग जो है वो पूछा गया कई बार क्वेश्चन इसमें, है ना। तो उसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसमें जो कुलपति जो होगा उसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हो गया क्या, पहले तो देखिए एक राज्य विश्वविद्यालय होता है, एक केंद्र विश्वविद्यालय होता है, ठीक है। जो राज्य विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति जो होगा वो कौन, राज्यपाल होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है अपनी, जो केंद्र विश्वविद्यालय होता है उसका जो कुलाधिपति होगा कौन होगा, राष्ट्रपति होता है, और राज्य की कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो एक सीधे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी राज्य विश्वविद्यालय होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, उनका जो भी मुख्य जो होता है कुलाधिपति जो होता है वो कौन होता है, मतलब अपना राज्यपाल होता है। तो जो भी राज्य के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी होंगी, जो मतलब राज्य विश्वविद्यालय होगा उनका जो पूरा हेड होगा वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। सारी पूरी जैसे यूपी का सपोज ले लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी राज्य विश्वविद्यालय है उनका जो पूरा हेड होगा वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका जो पूरा जो हेड है वो कौन होगा, वो होगा आपका राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब जो राज्य विश्वविद्यालय जो है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनका जो कुलपति जो है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन, किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके जो कुलपति जो होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता ही बनता है। अब हम देखते हैं कुछ इनकी विधायी शक्तियों के बारे में, ठीक है, विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का एक छठे भाग, ठीक, वह नामित करता है, जो जैसे राज्य किसी भी विधान परिषद में सदस्य हैं, ठीक है, सपोज किसी भी विधान परिषद में 36 सदस्य हैं, ठीक है, तो ये उसका छठवां भाग, जो 6 सदस्य जो होंगे उसको जो है नामित करता है, को नामित कौन करता है, राज्यपाल जो है नामित करता है। अब जो ये 6 सदस्य जो हैं, जो 6 सदस्य जो हैं, ये 6 सदस्य होते कौन है, मतलब किस किस, ऐसा तो नहीं किसी उठा के बिठा दिया जाएगा, भाई आप विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे उठा के, किसी ने किसी आपको मतलब किसी ना किसी विभाग में किसी किसी ऐसे, देखिए इसमें जो है आपको एक अच्छा होना चाहिए, है ना, ऐसे साहित्य के क्षेत्र से हो गया और अपना विज्ञान के क्षेत्र से हो गया, ऐसे तो नॉर्मल किसी आदमी को नहीं बिठाया जाता, जो देखिए या तो वो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हो, या वो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हो, या वो कला के क्षेत्र से जुड़ा हो, या वो सहकारिता के आंदोलन के क्षेत्र से जुड़ा हो, तो उसका कहीं ना कहीं इन चीजों से कनेक्ट मतलब कनेक्शन होना चाहिए, तभी उसको जो अपने नॉमिनेट किया जाएगा, कहाँ के लिए, विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये भी जो राज्य विधान परिषद जो होती है उसमें जो एक छठा भाग जो है उसको नामित करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं और इसका नेक्स्ट जो विधायक क्या है, देखिए ये जो है ये विधान परिषद हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश में
विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोनों है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे विधानसभा जो है, अब विधान परिषद की बात तो हो गई कि विधान परिषद का जो जो भी टोटल सदस्य जो होंगे उसमें से छठा भाग जो होगा वो नामित किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बता चुका आपको छठा भाग, ठीक है। वो किस किस उससे होना चाहिए, साहित्य से होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए, कला से होना चाहिए, सहकारिता आंदोलन के होना चाहिए, समाज सेवी के उसके होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते क्या विधानसभा में किसी को नामित नहीं करता है, विधानसभा में किसी को क्या नियुक्त नहीं करता है, करता है कौन होता है, वो इंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय होता है, वो भी एक सदस्य होगा, ठीक है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा। अब वहीं पर देखिए जो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में दो आंग्ल इंडियन का नियुक्ति करता है, उसमें कितने होते हैं अपने लोकसभा में दो होते हैं, लेकिन यहाँ विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा केवल एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, कितने एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वह राज्य के लेखों की समिति के राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को जो है विधानसभा में रखता है। देखिए क्या होता है, जैसे ये कैग हो गया, ठीक है, और लोक सेवा आयोग वाले हो गए, ठीक लोक सेवा आयोग है, इनकी जो भी रिपोर्ट होगी, जैसे कैग ने किसी भी डिपार्टमेंट के लिए भ्रष्टाचार के लिए अगर उन्होंने निकाला है, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई रिपोर्ट जारी की है, उसमें कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा गया कोई भी डिपार्टमेंट, है ना, तो क्या किया जाएगा कि अब ये जो रिपोर्ट जो होगी अपनी वो किसको देगा, राज्यपाल को देगा जाके, जो कैग जो होगा, मतलब सीधे तौर पे हम यही बोल सकते हैं। देखिए क्या होता है, जिस तरह से केंद्र में जो, देखिए केंद्र में क्या होता है, जैसे कैग जो होती है अपनी, ठीक है, अब कैग क्या करेगा, जो अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा, या कैग हो गया, या प्लस इसमें लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है, तो अब क्या होगा, ये राष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको संसद में पेश करेगा, कहां पेश करेगा, संसद में पेश करेगा। उसी तरह से इस राज्य में क्या होता है, राज्य में क्या होगा, जो कैग या लोकसभा आयोग या जो भी है, कैग लोकसभा आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है किसको, राज्यपाल को देंगे। अब राज्यपाल क्या करेगा, इस रिपोर्ट को, जो इनकी राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को वो विधानसभा या विधान परिषद में दिखाएगा, पेश करेगा जाके कि भाई क्या की ये रिपोर्ट है, लोकसभा आयोग की ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब हम इनकी कुछ वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विधायी शक्तियों को हमने आपको बता दिया, विधायी शक्ति इनकी क्या क्या है, ठीक है। अब हम इनकी जो है वित्तीय शक्ति के बारे में बात करते हैं। धन विधेयक जो होता है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्ण सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, अब ये अगर धन विधेयक है, ठीक है, किसी भी कानून को या किसी भी कानून को बनने से पहले, जब वो बनने से पहले जब होता है, जब वो बनता नहीं है, उससे पहले जब वो पेश किया जाता है तो विधेयक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। अब जब धन विधेयक जो है, अगर वो धन विधेयक अगर विधानसभा में पेश किया जाएगा, उसके लिए राज्यपाल की पूर्ण सहमति, पहले राज्यपाल की पूर्ण सहमति, अगर राज्यपाल बोलेगा कि हाँ इसको आज पेश करेंगे तभी वो पेश होगा, नहीं तो धन विधेयक वो जो है वो विधानसभा में पेश नहीं होगा। जिस तरह से धन विधेयक जो है सेंट्रल में, केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सदन में आता है, संसद में आता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल की अनुमति के बाद ही, जब राज्यपाल अपनी सहमति दे देंगे, सहमति है उसके देने के बाद, तब वो विधानसभा में आएगा, ठीक है। उसके बाद पंचायतें और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना, जो भी पंचायत होती है, ठीक है, उसके बाद नगर पालिका होती है, अब इनमें मतलब जो भी हर 5 साल में वित्तीय समीक्षा होती है कि भाई हमने इतना रुपया भेजा था, जैसे किसी
नगर निगम नगर पालिका को ऐसे 5 करोड़ रुपए दिया, ठीक है 5 करोड़ रुपए दिया, अब 5 साल कंप्लीट हो गए। अब भाई 5 साल का अब ये तो देखा जाएगा ना कि जो भी वहां पे नगर निगम अध्यक्ष है या नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष है उसने वो रुपए के जिस हिसाब से मांगा था उसी हिसाब से खर्च किया कि नहीं किया, कि सब अपना बचा लिया अपने पास रख लिया, वहां डेवलप कराया विकास कराया कि नहीं कराया। तो उसके लिए एक आयोग की गठन करते हैं, समीक्षा के लिए एक आयोग की गठन करते हैं। वह धन विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अगर चाहे तो धन विधेयक को है वो भी रोक भी अपनी स्वीकृति से रोक भी सकता है। ऐसी स्थिति में पॉइंट नोट करिएगा, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। देखिए क्या होता है, आपको बताया था पहले जब कोई भी अधिनियम या कानून बनता है उससे पहले क्या होता है, वो विधेयक रहता है। अब जब विधेयक जब सदन में पारित ही नहीं होगा, जब सदन में सॉरी पेश ही नहीं होगा, जैसे धन विधेयक को जो है किसकी सहमति चाहिए, राज्यपाल की सहमति चाहिए, अब जब वो सहमति पास ही नहीं करेगा तो ये किस तरह से भाई जब सदन तक पहुंचेगा नहीं, जब सदन तक पहुंचेगा नहीं तो वही वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो क्षमादान की जो हम शक्ति बात करेंगे वो हम तुलना करेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति से तुलना करेंगे। तो जो केंद्र विधि होती है वो जो केंद्र विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड क्षमा या प्रतिलंबन विराम या परिहार करने अथवा दंड देश के निलंबन परिहार के लघुकरण कर सकता है। देखिए जो राष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति चाहे वो केंद्र विधि हो या किसी भी राज्य की विधि हो, राष्ट्रपति क्या होता है हर केस में अपने जो भी क्षमा कर सकता है किसी भी अपराध को, जैसे किसी अपराध किसी ने अपराध किया वो जेल में, तो वो चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उनको बोल दिया कि इनको मृत्युदंड हो गया होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है केंद्र विधि की। ठीक है, इसमें राज्य विधि भी है। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी प्रकार का दंड हो या क्षमा हो, ठीक है, वो अब किसी भी प्रकार का कोई भी केस चल रहा हो किसी व्यक्ति पे, उसके दंड के लिए पूर्ण रूप से दंड को माफ भी करा सकता है, क्षमा भी करा सकता है, प्रतिलंबन भी करा सकता है, विराम भी करा सकता है और परिहार भी करा सकता है अगर वो चाहे तो। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे कि ठीक है व्यक्ति का जो जेल में जो उसकी सिचुएशन थी ठीक अच्छे से रहा है डिसिप्लिन रहा है, तो राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उसकी जो सजा है वो कम भी कर सकता है। इसी प्रकार से ये कि केंद्र की विधि के कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा जो राष्ट्रपति के पास एक ऐसा मात्र अधिकार है जो किसी के पास नहीं, वो क्या मृत्युदंड जो है, मृत्यु की अगर सजा दी गई आदमी को मृत्युदंड दिया जाएगा उस सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल जो है देखिए और थोड़ी कोर्ट मार्शल सैन अदालत जो है ना इसकी भी जो सजा माफ करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है ओनली, राज्यपाल के नहीं है पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। अब राष्ट्रपाल के पास केवल वही सजा वो माफ कर सकता है जो राज्य विधि के तहत हो। इस राज्य विधि में भी मृत्युदंड इंक्लूड नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य विधि के अकॉर्डिंग अगर मृत्युदंड दिया जाएगा तो वो सजा उसकी माफ नहीं की जाएगी राज्यपाल के कहने पर, क्योंकि राज्यपाल केवल आपराधिक मामले जो भी राज्य विधि के अकॉर्डिंग है सिर्फ उनमें ही उनकी सुनवाई होगी, मृत्युदंड पर सुनवाई नहीं होगी। अब हम कुछ अनुच्छेद जो है जो प्री केस अकॉर्डिंग है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम तो हो गया है, अब हम थोड़ा स्पीड फास्ट में इनको निपटाते हैं फिर आपकी ये क्लास लाइव क्लास यहीं पर फिनिश करेंगे। तो राज्यपाल के लिए कुछ संवैधानिक शक्तियों का अंदाज लगाते हुए हम इन्हें अनुच्छेद 54, 63, 163, 164 के उपबंधों को समझ सकते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, ये संविधान समस्त कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ कार्यकारियों के द्वारा। देखिए 154 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल के अंदर जो है सारी कार्यकारी शक्ति निहित होंगी, अब वो शक्तियां वो या फिर उसके अधीनस्थ जो भी नीचे अधिकारी होगा उसके द्वारा की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 163 में क्या बोला गया, वो अपने विवेकाधिकार के वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। देखिए वो अपने अगर चाहे अपने विवेकाधिकार से भी कार्य करेगा और उसके अलावा क्या है वो राज्य की जो वास्तविक जो प्रमुख है मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख है उनसे वो है उनकी मंत्रिपरिषद से वो सलाह भी ले सकता है। ठीक है, विवेकाधिकार में मतलब जैसे वो सरकार बनाने के लिए जैसे भी बुला लिया, देखिए है ना महाराष्ट्र में सब तरह तरह के लोग पहले कांग्रेस बीजेपी बुला लिया आई सरकार बना लीजिए, फिर उन्होंने अपना क्या बोलते हैं शिवसेना भी बुला ली सरकार बना लीजिए,
जबरदस्ती सरकार बन गई बीजेपी की, फिर 2.5 दिन में गिर गई। तो ये किसके विवेकाधिकार से उन्होंने किया, वो अपने से, किसी भी सरकार का किसी का दबाव यहाँ पर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उस टाइम वहां पर मुख्यमंत्री कोई नहीं है, ये अपना हो गया विवेकाधिकार। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी, किसके अकॉर्डिंग, एक अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग, 45 जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में पर इस तरह की कोई उपबंध नहीं आया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की जो सलाह है वो बाध्यता कर दी गई थी, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई भी उपबंध नहीं आया। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, पहले बता चुका हूं आपको, कार्यपालक और संवैधानिक मुखिया दोनों कौन होता है, राज्यपाल होता है। वास्तविक मुखिया कौन होता है, वो सीएम होता है, स्टेट का सीएम जो होता है वो वास्तविक मुखिया होता है, ठीक है। तो देखिए क्या ये आज का हमारा जो टॉपिक था, हमने राज्यपाल के बारे में ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, और आपके पास ये पीडीएफ भी पहुंचेगी, आप लोग इस पीडीएफ से एक बार रिवीजन करिएगा। और राज्यपाल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंटों ने यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा हो वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि 15 दिसंबर को उनका प्री एग्जाम है, कल एडमिट कार्ड आ गए, जिन्होंने फॉर्म डाला हो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, और आप लोग कंटिन्यू रहिए। मैं आपको इन 15 दिनों में पूरी कोशिश करूंगा कि प्री से जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी आएंगे मैं उनका सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, और 15 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है, प्री का जो एग्जाम है, 15 तारीख डेट आ गई, एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तो आज देखिए जो मेरा प्रोमो कोड है, आपको पहले बता चुका हूँ, द निर्देश 300, इसको यूज करके आप 10% जो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है उसकी जो फीस है 7000, उसमें आप 10% जो है वो लेस करवा सकते हैं प्रोमो कोड द निर्देश 300 यूज करके। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद।